10,000 स्टेप्स लेना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और वेट लॉस में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। बट बहुत लोग तो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग 10,000 स्टेप्स लेने के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम 10,000 स्टेप्स लें और क्या ये लेना सबके लिए फिजिबल है, या सबको ये 10,000 स्टेप्स लेना चाहिए या किनको नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका और मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैंने अपनी एमडी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में की है और मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए मोटिवेट करती हूँ और एजुकेट करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10,000 स्टेप्स के बारे में। 10,000 स्टेप्स लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और मोस्ट ऑफ दी पीपल को 10,000 स्टेप्स डेली लेनी चाहिए। बट ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एज एंड ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पे। अगर आप फिट हैं, आपको कोई जॉइंट इशू नहीं है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 10,000 स्टेप्स ले सकते हैं। वेट लॉस के लिए बेसिक चीज़ क्या होता है? कैलोरी मैनेजमेंट। हमें कैलोरी इनटेक को कम करना है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। तो जब हम स्टेप्स लेते हैं तो ये एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है और इससे हमारी कैलोरी बर्न होती है, यानी कि कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। क्या क्या तरीके हैं और क्या होता है हमारी बॉडी में जिसके कारण हमारा वेट लॉस होता है जब हम स्टेप्स लेते हैं? तो इसमें सबसे पहला है इंक्रीज कैलोरी बर्न। आप जितना ज़्यादा स्टेप लेते हैं उतना ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करते हैं, और आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वेट लॉस करेंगे। कैलोरी बर्न इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वॉकिंग की स्पीड क्या है। अगर दो लोग में से एक लोग स्लो वॉक कर रहे हैं और एक फास्ट वॉक कर रहे हैं, तो जो फास्ट वॉक करते हैं उनकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। तो आप कोशिश करें कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। सेकेंड, वॉकिंग इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। जब हम वॉक करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वॉकिंग एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और इसका इफेक्ट वही होता है जिसका एक्सरसाइज का होता है। ये हमारे कार्डियो सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारे बॉडी का फंक्शन बढ़ जाता है और हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। थर्ड है एपेटाइट रेगुलेशन। जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो हमारे एपेटाइट हार्मोन रेगुलेट होते हैं और इससे हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है, अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होती है, और इस तरह से हमारा कैलोरी इंटेक भी कम होता है। फोर्थ, स्ट्रेस रिडक्शन। वॉक करने से हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कमता है, क्योंकि वॉकिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बेटर करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वेट लॉस में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एक्सरसाइज करने से आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल भी लोअर साइड पर रहते हैं एंड फैट स्टोरेज भी कम होता है। वॉकिंग करने से वेट लॉस में भी काफ़ी फायदा होते हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट अब सवाल उठता है, क्या सभी को 10,000 स्टेप्स लेने चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी 10,000 स्टेप्स ले सकते हैं आप, अगर आप हेल्दी फिट एंड फाइन हैं, आपको कोई बोन डिजीज नहीं है, आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, और एक सिंपल चेकअप आप करा सकते हैं। अभी भी 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए अचानक से जंप ना करें, ग्रेजुअली अपने गुड हैबिट को डेवलप करें। पहले थोड़े थोड़े से मिनी स्टेप्स लें, जैसे कि आप अभी 4,000 स्टेप्स ले गए हैं, तो आप हर वीक 1,000 टू 2,000 इंक्रीज करें और ग्रेजुअली अपने स्टेप्स को 10,000 तक लेके जाएं। अब बात करते हैं ये क्लासिफिकेशन की, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है एक्टिविटी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर डेली स्टेप्स। इसमें क्या दिख रहा है कि अगर आप लेस देन 5,000 स्टेप्स लेते हैं तो आप सेडेंटरी हैं। अगर आप 5,000 से 7,500 स्टेप लेते हैं तो आप लो एक्टिव हैं। अगर आप 7,000 टू 500 स्टेप से लेकर के लेस देन 10,000 लेते हैं तो आप समवॉट एक्टिव हैं।
बट अगर 10,000 से स्टेप्स ज़्यादा है तो आप एक्टिव हैं, और अगर आपका स्टेप्स मोर देन 12,500 है तो आप हाईली एक्टिव हैं। अब तो हम लोग जान गए कि 10,000 स्टेप्स कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें ये कंप्लीट करना चाहिए। बट एक मिस्टेक्स मैंने देखा है जो बहुत सारे लोग करते हैं, जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि 10,000 स्टेप्स डेली लेने की कोशिश करें तो लोग सुबह में वॉक के लिए जाते हैं तो 5,000, 6,000, 7,000 एक ही टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, या कुछ लोग इवनिंग वॉक में कर लेते हैं। तो ये करना बिल्कुल गलत है। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का जो एम है वो ये है कि हम लोग पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहे। तो इसे हमें एक बार में कंप्लीट नहीं करना है, हमें धीरे धीरे इसे कंप्लीट करना है होल डे में। इसे हमें पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है। मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ। मॉर्निंग वॉक में मेरा 2,000 to 3,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं तीन बार जब मिल लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 1,000 स्टेप्स मैं कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसे मेरा लगभग 6,000 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं इवनिंग वॉक लेती हूँ 15 टू 20 मिनट्स का, उसमें मेरा 2,000 हो जाता है, हो गया 8,000। एंड लास्ट जो बचता है मेरा वो होता है डिनर के बाद का, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है, लगभग 2,000 to 3,000। तो ऐसा लगभग 10,000 हो जाता है। इसके अलावा जो डे टू डे हम वर्क करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ स्टेप्स हो जाते हैं, और एवरेज होता है मेरा 2,000 to 3,000 डे टू डे वर्क में। तो सब मिला के ये इजीली जो है मेरा 10,000 हो जाता है। और जब मैं किसी से भी फ़ोन पे बात करती हूँ तो अपना फ़ोन मैं बाहर लेके अपने छत पे चली जाती हूँ, या कॉरिडोर है वहाँ पे मैं वॉक कर लेती हूँ, और पता भी नहीं चलता है कि कैसे मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो टेकिंग 10,000 स्टेप्स डेली इज़ अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। और अगर आपने हाल ही में अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है या आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने का वो है वॉकिंग। और वॉकिंग को भी आपको तुरंत से 10,000 पे लेके नहीं जाना है, ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करें और वेट लॉस जर्नी को इंजॉय करें, इसे स्ट्रेसफुल ना बनाएं। मैं अपने स्टेप्स काउंट के लिए स्मार्ट वॉच का यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है उसमें पेडोमीटर ऐप डाउनलोड कर लें, उससे भी आप अपने स्टेप्स को ईजिली काउंट कर सकते हैं। और स्मार्ट वॉच आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आप उसे जाके ले सकते हैं। और मैं कौन सा स्मार्ट वॉच यूज़ कर रही हूँ और मेरे घर में कौन कौन से स्मार्ट वॉच यूज़ होते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर देने के। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। बिकॉज वेट लॉस में डाइट का 80% रोल होता है और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी का 20%। सो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डाइट को करेक्ट करें। अगर आप पर्सनलाइज वेट लॉस प्लान चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं nowmyhealth.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, एंड यू कैन ज्वाइन मी।